जी। अमृत वेला याद बनी रहती है, जब आँख खुलती है तो अमृत वेला तो हो नहीं पाता। दो से पाँच है वो नहीं हो पाता है, कभी हो जाता है तो कैसे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी हो जाती है। एक अगले दिन क्या होता है कि देर हो जाते हैं तो सो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है जब मैं सो के उठता हूँ तब बात की याद तो बदल रहती है, तो मैं वही अंतर मेरा समझ नहीं पाता, बात की याद है वही मैं अंतर मेरा समझ, क्योंकि शरीर अभी तो आपको पता गया है कि शरीर जो है शरीर का कनेक्शन जो है एक जन्म का है, आत्मा का कनेक्शन जो है अनेक जन्मों से, तो जो देह के काम करके थक जाते हैं इंद्रिय थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं, लेकिन यही जो दो से पंद्रह पांच काम कर देगा वो नहीं। तो पूछना क्या है? बस यही पूछना, दो से पंद्रह पांच का जो टाइम बहुत अच्छा टाइम है, उस टाइम में जो हमें खुलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, जो माया है मायक है या अपनी कमजोरी जो भी है, तो उस समय न उड़ना न भागना वो नहीं होता। 100 गुना पाप का बोझ बढ़ रहा है या 1 गुना बढ़ रहा है? 100 गुना बढ़ता क्यों है, कारण क्या है? पूरा सही मत नहीं चल पाता बस। मुख्य कारण का निवारण कर दें तो अमृत वेला भी होने लगेगा। क्या छोड़ देंगे? काम तो मैं नहीं करना चाहता, मन तो नहीं होता काम करने का। काम तो महाशत्रु है, छोड़ देना चाहिए। जो ये काम कर रहे हैं इसके भी पीछे कोई कामना छुपी रहती है। खाना पीना कामना है, ये खाना पीना भी किस लिए होता है? दुनिया में जो दुनियावी कामनाएं होती हैं, उन दुनियावी कामनाओं के पीछे भी क्या कामना है? मुख्य कामना कौन सी है? इच्छा मात्र में विद्या हो गई? अरे एक ही तो लफड़ा है, वो एक कामना खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाती है। और एक कामना कौन सी बात उसको बताई? सबसे बड़ा विकार कौन सा है, उसमें कौन सी कामना है जो खत्म ही नहीं होती? अरे जवाब ही नहीं दिया। फिर देहभान में भी अनेक विकार हैं, उन विकारों में भी मुख्य विकार कौन सा है? नहीं वो तो देह अहंकार है ही, मुख्य विकार कौन? उसका तो नंबर पांचवा है काम विकार। एक कामना के लिए ही बोला है इच्छा मात्रम अविद्या, ये इच्छा मात्रम अविद्या हुई पुरुषार्थ ऑटोमेटिक तीव्र हो जाएगा। और आप बता रहे चित्राता पांच करते हैं देहरादून में, जिले का नाम है क्या नाम है? देहरादून। क्या देहवान कितना रहा? दुगना। जहाँ देहवान है उस जिले का नाम है देहरादून। उसमें एक गांव है नजदीक,
उसका नाम है चकराता, मुरली में भी बोला हुआ है। वहाँ की माताओं में एक रस्म है पांच पांच शादियां करने की, तो जितनी शादियां करती जाती हैं उतनी उनको नथ पहनाई जाती है। पांच शादियां पूरी होती हैं तो पांच नथें डाली हुई होती हैं। किस टाइम को फॉलो कर रहे हैं वो लोग हैं? ये रस्म कहां से पड़ी हुई है? हैं? सतयुग त्रेता में थोड़ी रस्म होती है, संगम युग की रस्म है। और सारे चतुर्थ में, सारे ड्रामा में एक शिव बाबा का जो पार्ट है हीरो हीरोइन का, एक शिव बाबा का हीरोइन का कहां से हो जाएगा? हीरो हीरोइन का पार्ट जो है शिव बाबा का कहां से हो जाएगा? दोनों का शिव बाबा का पार्ट हीरो और हीरोइन का पार्ट, शिव बाप न हीरो बनता है न हीरोइन बनता है, जिसमें प्रवेश करता है उसमें प्रवेश करता है वो हीरो पार्ट धारी, वो हीरो पार्ट धारी है। ब्रह्मा में प्रवेश किया, हाँ ब्रह्मा में प्रवेश किया तो वो हीरोइन पार्ट धारी है। लेकिन पार्ट जो बजाने वाला है ब्रह्मा बाबा ने कुछ बजाया तो उन्होंने, लेकिन उसे प्रवेश करने वाली आत्मा तो शिव है। तो ब्रह्मा अगर जिसको मुकाबले में प्रवेश किया, इन दोनों को मिला करके उनको अर्धनारीश्वर कह सकते हैं, अर्धनारीश्वर हाँ। तो उनको माता एक ही शरीर में माता का भी पार्ट चल रहा है, एक ही शरीर के द्वारा पिता का भी पार्ट चल रहा है। तो वो माता पिता हो गए। हाँ तो कौन से वो ब्राह्मण हैं जो समझते हैं कि अर्धनारीश्वर ही हमारा माता और पिता है? तो सूर्यवंशी जो ब्राह्मण हैं वो इस बात को समझते हैं कि एक ही शरीर में दो आत्माएं जो कार्य कर रही हैं, उनमें एक आत्मा बाप का पार्ट है, हीरो पार्टधारी है, और दूसरी आत्मा जो प्रवेश करके कार्य कर रही है वो हीरोइन का पार्टधारी है, बड़ी माँ का पार्टधारी। और क्षम क्यों हो गई? प्रैक्टिकल बात है। अभी भी रजिस्टर में माता पिता लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है? जगत माता कौन है? प्रैक्टिकल शरीर के हिसाब से कौन है? जगदम्बा। परंतु जगदम्बा जो है, जो आत्मा है, वो आत्मा क्या यादगार है या शरीर का यादगार है? जगदम्बा शरीर का यादगार है, लेकिन उसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है जो सहन शक्ति का पार्ट बजाती है? जगदम्बा नहीं है सहन शक्ति का पार्टधारी। दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल ही सहन शक्ति का पार्टधारी है, इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा ये ब्रह्मा है परंतु तन पुरुष का है, इसलिए ओम राधे को निमित्त बनाया गया है। ओम राधे भी मम्मा नहीं है तुम्हारी। तो माता पिता के रूप में हम जो उसको याद कर सकते हैं माता पिता के रूप में? वो तो कुछ भी समझो, जब कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, संस्कृत में त्वम शब्द एक के लिए कहा जाता है या दो के लिए कहा जाता है या तीन के लिए ज्यादा के लिए कहा जाता है? संस्कृत में पढ़ाई जाती है त्वम युवाम यूयम, त्वम माने तू, युवाम माने तुम दो, यूयम माने तुम सब। तो यहाँ शब्द यूयम नहीं आया है,
युवाम भी नहीं आया है, क्या आया है? तुम, तुम माने तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तो वो शरीर एक है या दो चार शरीर हैं? एक शरीरधारी है, एक ही शरीरधारी में दो आत्माएं माता पिता के रूप में पार्टधारी हैं। शिव, शिव जो है वो माता नहीं बनता, शिव पिता भी नहीं बनता शरीर में आकर के। कब बनता है? जब प्रजापिता में प्रवेश करता है तो पिता है, और ब्रह्मा में प्रवेश करता है तो माता है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन कब होता है? कॉम्बिनेशन तब होता है जब संक्षेत्र से दोनों आत्माएं एक शरीर में प्रत्यक्ष होती है, एक चंद्रमा के रूप में और एक त्रिनेत्री के रूप में। त्रिनेत्री शंकर को दिखाते हैं और उसके मस्तक में चंद्रमा माता के रूप में दिखाई है। तो एक ही शरीरधारी है जिसमें माता का भी पार्ट चल रहा है और पिता का भी पार्ट चल रहा है, वो अर्धनारीश्वर का रूप कहा जाता है, कंबाइंड रूप है। जैसे बाप दादा के लिए कहते हैं, बाप दादा का पार्ट कैसा है? कंबाइंड पार्ट है। एक ही शरीर में दो आत्माएं पार्ट बजाती है। और जब चंद्रमा का पार्ट चल रहा है तो आपने बताया लेकिन सहनशीलता का पार्ट चंद्रमा के द्वारा चल रहा है, सहन शक्ति का जो पार्ट चल रहा है सहन शक्ति का पार्ट प्रैक्टिकल में ब्रह्मा का जब शरीर था तब चला। अभी माँ का पार्ट वो सहन शक्ति का नहीं है, अभी तो विकराल रूप धारणी बनेगी या माँ बनेगी, और माँ बनेगी तो राक्षसों की माँ बनेगी या सूर्यवंशियों की माँ बनेगी, किसकी माँ बनेगी? है राक्षसों की महाकाली के रूप में माँ बनेगी, विकराल रूप धारणी के रूप में माँ बनेगी। और माता विकराल रूप होगा वो किस रूप में? महाकाली। ऐसा क्या चलेगा जो आसुरी पार्ट बजाने वाले साबित होते हैं उनको अनिश्चय आ जाएगा। अनिश्चय आया माने ज्ञान से मर गए, मर गए माने बाप नहीं रहा, बाप नहीं रहा तो वर्षा खलास, फिर कहीं ना कहीं तो जन्म लेंगे, या तो इस्लामियों के कुल में जन्म लेते हैं या बौद्धियों के कुल में या क्रिश्चियंस के कुल में, कुल बदल जाते हैं, सूर्यवंशी बच्चे नहीं बन पाते। भगवान की 2018 में प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद में दुनियावी जो चीजें चल रही हैं वो किस रूप में यथावत ऐसी ही चलती रहेंगी या उसमें भी फिर बदल जाएगा? क्या दुनिया चलती रहेगी? जैसे दुनिया में काम काज या सरकारी जो चल रहा है ये तो सारी दुनिया पहचान लेगी एक साथ या नंबरवार पहचानती जाएगी? फिर जो नहीं पहचानेगे वो तो दुनिया भी धंधे दौरी करेंगे ना। जो अभी भी पहचान चुके हैं वो दुनिया भी धंधे दौरी छोड़ चुके हैं क्या? बाप तो गारंटी देते हैं, क्या गारंटी देते हैं? मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे, तो पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? दो रोटी ही तो चाहिए, तो दो रोटी की गारंटी तो बाबा ने सबको दे दी, फिर धंधोदेवरी में क्यों पड़े हुए हैं? कोई स्पेशल कामना अलग से है या नहीं है? है? नहीं है? है?
सेवा भी दो तरह की है, एक स्वार्थ के वशीभूत होकर के सेवा, हमारा मान हो जाए, मर्तबा हो जाए, शान बढ़ जाए, और एक होती है हमें नाम मान शान नहीं चाहिए, बाढ़ में जाए इस दुनिया की नाम मान शान मर्तबा, बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, भले दुनिया में हमारी ग्लानी होती रहे कोई अर्जा नहीं, दुनिया में हमारा मान मर्तबा मिट्टी में मिलता रहे कोई हर्जा नहीं, लेकिन क्या हो जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। काशी नगरी, हाँ जी, काशी नगरी जैसी पवित्र नगरी शास्त्रों में और कोई नगरी नहीं है। तो वो नगरी या नगर जो बसाए गए हैं वो किसी देवी देवता के नाम पर बसाए गए हैं या ऐसे ही नाम रख दिए हैं? स्थान के नाम पर जो नामाचार हुआ है वो काम के आधार पर हुआ, तो जड़ स्थान काम करता है या कोई चैतन्य आत्मा काम करके दिखाती है? चैतन्य आत्मा की बात है, तो काश्य शब्द भी काम के सूचक है। काश्य तेज को कहा जाता है। अनुसुईया में कौन सी विशेषता दिखाई गई है शास्त्रों में? तो कौन सी विशेषता हुई जो तीन देवियों में विशेषता नहीं है? हैं? प्योरिटी, प्योरिटी, पवित्रता। तो जो पवित्रता काशी नगरी में है वो पवित्रता और कोई में नहीं है, वो पवित्रता का बीज है परंतु है रुद्रमाला का मणका। और काम का नाम उससे पड़ता है उसके आधार पर, तो कानपुर का नाम ऐसा क्यों पड़ा? किसी ने कान पूरे होंगे, ज्ञान सुना सुना करके कानपुर गए होंगे, फिर भी नहीं निकले बाबा, फिर भी नहीं निकले, कहीं जाएगी नहीं। कान सुन के पूरे हैं कि सुना के? सुन के पूरे हैं कि सुना? कान सुन सुन के पुर गए, बस 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 बस। ज्ञान गंगाएं कब निकली, आदि में निकली या अंत में निकली? जब सारा नाले का पानी गिर जाएगा तब निकली। ज्ञान निकले, ज्ञान गंगाएं निकलेंगी अंत में, बोला ना मुरली में, तो जब ज्ञान गंगाएं अंत में निकलेंगी तो साबित होता है कि आदि में भी थी। जब बेसिक ज्ञान चला तो कोई गंगे दादी निकली थी, पहले भी निकली, अब एडवांस ज्ञान में भी ज्ञान गंगा निकलती है, तो अव्यक्त वाणी में बोला है गंगा कहाँ से निकली, इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? अरे भक्ति मार्ग के हिसाब से तो सब जानते हैं, गंगा का गायन कौन से शहर से है? है इलाहाबाद से है, बाकी कानपुर का कहीं शास्त्रों में नाम लिया? लेकिन बाबा ने कानपुर का नाम लिया, इसका मतलब इशारा दे दिया कि गंगा निकलेगी तो कहाँ से निकलेगी? कानपुर से निकलेगी। और बड़े अच्छे परेशानी का है कि हाथ पाँव है तो हाँ अब यहाँ तक आ गए हैं, दमदार प्राणी हो। बच्चे कहते हैं कि अब आप बुढ़ा हुए, आप अपने आप से परेशान हो गए, हमको बना कर। और बाबा क्या कहते? आपको बच्चों का कहना याद रहता है या बाबा का कहना याद रहता है? बाबा का कहना है, आप करना है। करना है लेकिन करते
बच्चे झगड़ा करते हैं। अच्छा तो तुम्हारा बाप आया हुआ है? बाप आया है कि नहीं? आया है तो भूख मार डालेगा? भूख नहीं मार डालेगा तो फिर बच्चों से क्यों डरते? बड़ी अच्छी बात है। हाँ बाबा ने तुमको वरदान दे दिया, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तुमको क्या परवाह पड़ी? है उनको हाँ, आपको मनाने की जबरदस्ती क्या दरकार है? हाँ समझाना तो उनको है, जो एक बार दो बार समझाने से मान जाए। एक बार दो बार तो बता चुके ना, आप पीछे क्यों पढ़ना? हाँ हाँ जी हाँ जी। और है मार्शल ला लागू होगा तब जब जगदम्बा आएगी? पहले होगा या बाद में? मार्शल ला तो तब लागू होता है जब कोई रास्ता नहीं रहता। क्या भारतवर्ष में अभी तक मार्शल ला लागू हुआ? नहीं हुआ। और पाकिस्तान में घड़ी घड़ी मार्शल ला, ये अंतर है। मुसलमानों की सभ्यता में और भारत के धर्म में क्या खास अंतर है? है यहाँ बाप आते हैं, बाप प्यार का सागर है। क्या बाप जब अति हो जाती है तब मुरली में बोला बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा, फिर मार्शल्ला चलता है। मार्शल्ला ये जिस्मानी मिलिट्री की बात है, और हमारी कौन सी मिलिट्री है? रूहानी मिलिट्री। रूहानी मिलिट्री में मार्शल कौन है? शंकर है रूहानी मिलिट्री का मार्शल। अभी सत्ता किसके हाथ में है? कन्याओं माताओं के हाथ में शिव बाबा ने सत्ता दी है या पुरुषों के हाथ में दी है? अभी मार्शल्ला नहीं है। फिर अंत में क्या होगा? मार्शल्ला हो जाएगा। मानो तो मानो, न मानो तो ठा। सोलह कला संपूर्ण नारायण सतयुग में भी है या नहीं है? है। और जो सोलह कला संपूर्ण नारायण है सतयुग में, उसकी पैदाइश कम कला वालों से होगी या सोलह कला संपूर्ण से ही होगी? कौन होगा? है? है? वो कौन होगा सोलह कला संपूर्ण, जिससे सोलह कला संपूर्ण राधा कृष्ण की पैदाइश होगी? हाँ शंकर और पार्वती जी ने कहा जाता है वो कलातीत हैं, क्योंकि शंकर में तीसरा नेत्र शिव नेत्र है। जिसमें शिव नेत्र है वो कलाओं में नहीं बांधा जा सकता, वो कलाओं से भी परे है। सूर्य क्या होता है? सूर्य सोलह कला संपूर्ण कहा जाता है, सत्रह कला कहा जाता है या कम कला कहा जाता है? है कलातीत है सूर्य। ऐसे ही भगवान भी कलातीत है। फिर शंकर का काम पूरा हो गया, शंकर का काम पूरा हो गया तो वो शंकर का काम
स्थूल दुनिया में पूरा होता है या ब्राह्मणों की दुनिया में पूरा होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में शंकर का काम पूरा होता है। क्या काम पूरा होता है? जो सूर्यवंशी ब्राह्मण है उनकी स्थापना हो जाती है, और बाकी जो 8 पुरी के ब्राह्मण अधूरे ब्राह्मण रह जाते हैं उनका विनाश हो जाता है। रावण कुंभकर्ण कौन सी कुरी के ब्राह्मण थे? सूर्यवंशी ब्राह्मण थे या कमकलाओं वाले ब्राह्मण थे? उनकी कुरी नीची थी, इसलिए उन सब का विनाश हो जाता है। 9 कुरियां ब्राह्मणों की मानी जाती है, जिनसे दुनिया में 9 प्रकार के आस्तिक धर्म स्थापन होते हैं। उनमें एक ही वंश है सूर्यवंश, वो रह जाता है, और उस सूर्यवंश का जो मुखिया है वो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करता है या नर से प्रिंस बनने का पुरुषार्थ करता है? और ब्रह्मा ने कौन सा पुरुषार्थ किया है? क्या हमेशा बोलते थे वो, मैं क्या बनूंगा, मैं सतयुग में जाकर कृष्ण बनूंगा? इससे क्या साबित हुआ है कि कृष्ण बच्चा है नई सृष्टि का पहली रचना। अगर रचना है कृष्ण तो उसका बाप भी होगा, तो पहला पत्ता है कृष्ण और उसको जन्म देने वाला बीज है बाप, वो ही है संगमयुगी नारायण। या कहें जो शंकर वाली आत्मा है या जो संगम युग में कृष्ण का पाठ बजाने वाली संगम युगी कृष्ण है या जो प्रजापिता है वो ही क्या बनता है? संगम युग में नारायण का पाठधारी है, उसी से कृष्ण का जन्म सतयुग में होगा। है? काग वसंडी को गरुड़ ने कहानी सुनाई। हाँ, गरुड़ जो है किसका किसका वाहन है? गरुड़ वाहन किसका है? हैं? विष्णु का वाहन है गरुड़, और काग किसका वाहन है? कौआ किसका वाहन है? अरे नहीं, हाँ शनिदेव का वाहन है। तो शनिदेव का वाहन कौआ। कौआ क्या करता है? फालतू की काव काव करता है। ज्ञानी है या अज्ञानी है? ज्ञानी है, अज्ञानी है। तो अज्ञानी को ही ज्ञान सुनाया जाता है। और सागर मंथन में देवताएं पूंछ पकड़ते हैं और असुर मुख पकड़ते हैं, तो मुख पकड़ने और पूंछ पकड़ने का क्या अर्थ हुआ? पूंछ पकड़ना माने फॉलो करना, जैसे कहे वैसे चलना, और मुंह पकड़ना माने तुमने ऐसे क्यों कहा, पहले तो ऐसे कहा था अब तुम ऐसे क्यों कहा, तो ये हो गया मुंह पकड़ना। फॉलो नहीं करेंगे, प्रश्नोत्तर ढेर सारे करेंगे, क्वेश्चंस का लाइन लग जाएगी, लेकिन मानेंगे फिर भी नहीं, करेंगे फिर भी मनमानी। उनको कहा जाता है मुख पकड़ना। तो जो मुख पकड़ते हैं तो मुख में से क्या निकलती है? ज्वाला। और हम सतयुग में गीत संगीत आदि विद्याएं सीखेंगे, तो यहां उसकी शूटिंग कैसे होती है? है संगम युग, मौजों का युग है,
मन के अंदर जितनी मौज चलती है उतना हम गीत संगीत बजाते हैं। जैसे कि दिल के अंदर गीत ही गीत बजता रहता है, डांस ही करते रहते हैं। ये शूटिंग हो रही है, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक गधा ही है जिसको क्रोध नहीं आता है। लेकिन बाबा ने क्या बोला है, बाबा ने बोला है जिसमें काम का अंश होगा उसमें क्रोध का अंश जरूर होगा। तो गधे को क्रोध आता होगा या नहीं आता होगा, है जरूर आता है। जो कुम्हार हैं उनसे पूछो कि गधा काटता है कि नहीं काटता है, हाँ तो क्रोध आया कि नहीं। और जालंधर का बेहद में अर्थ क्या है, जिसने ज्ञान जल को धारण कर लिया उसका नाम जालंधर पड़ गया। क्या वो ज्ञान सुनता था, क्या उसने ज्ञान धारण किया था, किया था? भले ज्ञान धारण नहीं किया था लेकिन ज्ञान का जो लक्ष्य है पवित्रता, उस पवित्र कन्या को धारण किया था। क्या नाम है उसका, है वृंदा, इसलिए उसका नाम पड़ गया जालंधर। और हाँ, जो दास दासी होते हैं उनको आंगन में बैठाते हैं या बेडरूम में बैठाते हैं, कहाँ बैठाते हैं, हैं? आंगन में बैठाते हैं। तो तुलसी को भी आंगन में बैठाया जाता है, बेडरूम में नहीं बैठाया जाता। ये तुलसी किसका पार्ट है, कहते हैं कि तुलसी का जब तक भोग न लगाया जाए तब तक भगवान खाना भोग नहीं लगाते। कहाँ की बात है, जरूर संगम युग में भगवान जब आया होगा तो भगवान के सामने जब तक तुलसी मैया का भोग न लगा हो, तुलसी मैया जब तक सरेंडर न हुई हो, तब तक कोई भी कन्या का भोग स्वीकार भगवान प्रैक्टिकल में नहीं करते हैं। पहले पहले किसका भोग स्वीकार करते हैं, तुलसी का करते हैं। तो कौन हुई तुलसी, जगदम्बा हुई। जगदम्बा पहले निकलती है तब एडवांस में ढेर की ढेर कन्याएं माताएं निकलती हैं। इसलिए ये शास्त्रों में यादगार बनी हुई है। वो तुलसी कैसा पुरुषार्थ करती है, पूरे पहचानने का पुरुषार्थ करती है कि अधूरी पहचान रहती है, हैं? अधूरी पहचान रहती है। इसलिए मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। तो सबसे ज्यादा भगवान आया तो सबसे ज्यादा साथ किसने किया, सबसे ज्यादा संग किसने किया भगवान का, जितना जगदम्बा ने किया संग। संग कैसे होता है, है? अरे कर्मेंद्रियों से ही संग होता है। आंख से एक दूसरे को देखा, संग हुआ या नहीं हुआ? एक दूसरे को टच किया, संग हुआ या नहीं हुआ? तो ये संग का रंग जितना जगदम्बा ने लगाया उतना और किसी ने नहीं लगाया। इसलिए सबसे जास्ती शक्ति किसको मिल गई, है? जगदम्बा को मिल गई। इतनी शक्तिशाली है फिर भी बाप को नहीं पहचाना तो छोड़ करके चली जाती है। वो छोड़ के चले जाना यही दास दासी का कर्म हो गया। इसलिए थोड़ी सी बेवफाई हो गई न पहचानने की और उसको इतना बड़ा दंड दिखा दिया गया।
बाबा पूजता तो सारा जगत है, पूजता सारा जगत। पूजी का काम नहीं किया है, है? जब बाप की बनी तो पवित्रता हासिल किए बगैर बनी क्या? जब बाप की बनी तो पवित्र थी या नहीं थी? तो पूज्य काम नहीं किया, पूजा नहीं होनी चाहिए? पूजा तो होती है, परंतु ये दिखाया गया है उनको बेडरूम में नहीं बैठाया जाता, माने सतयुग त्रेता में नहीं जाएगी भगवान के साथ। जो भगवान का मुकर्रर रथ है उस रथधारी के साथ सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं होगा, कहाँ होगा? हाँ, द्वापर कलयुग में विशेष पार्ट है। बाबा ये भी दिखाते हैं ना, तो सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे, दुर्गा को सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे ना, दिखाते हैं तो उसने क्या काम नहीं किया असुरों को मारने का? हाँ, सभी असुरों को मारने का काम किया ना देवताओं के पक्ष में। और है रुद्रमाला के छोटे मणकों के स्वभाव संस्कार से मेल प्रवृत्ति वाले होते हैं, रुद्रमाला के मणकों के स्वभाव संस्कार मेल होंगे। हाँ, लास्ट में जब शरीर बरस में तब जाएंगे तो वो शरीर चेंज हो जाएंगे, शरीर चेंज हो जाएंगे। आजकल की दुनिया में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा, डॉक्टरों से पूछना कि हार्मोन्स चेंज होते हैं जिनके, वो स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं? बन जाते हैं। तो यहाँ भी इस बात को ब्राह्मणों की दुनिया में खास करके एडवांस पार्टी में टैली करके देखना है कि जो शरीर से हैं तो स्त्रियां, परंतु स्त्रियां होते हुए भी वो पुरुषों के ऊपर कंट्रोल कर रही हैं या नहीं कर रही है? कर रही है। तो स्वभाव भाव स्वभाव संस्कार पूर्व जन्म का राजाओं का है या रानी बनने का है? राजा बनने का स्वभाव संस्कार है। तो ये हार्मोन्स जब चेंज होते हैं स्वभाव संस्कार के पूरी तरह से, तो शरीर भी चेंज हो जाता है। बाबा ऐसे मटके जो होते हैं, ऐसे मटके जो पूछा है इनमें, तो ऐसे मटके कभी कभी तो अपने आप को चाहत बनाते हैं कि हाँ कोई गुरु से ऊपर, कभी कभी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। पूर्व जन्म में हर जन्म में कोई पुरुष ही थोड़े ही रहे हैं, पूर्व जन्म में 63 जन्मों में स्त्री बने हैं या नहीं बने? लेकिन अधिकता कौन से स्वभाव संस्कार की है? पुरुष स्वभाव संस्कार की अधिकता है, क्योंकि ज्यादा जन्मों में पुरुष बने हैं, राजा बने हैं और राजा ही किए हैं। लक्ष्मीबाई स्त्री होते हुए भी गंगाधर को कंट्रोल किया या नहीं किया? तो स्वभाव संस्कार से पुरुष थी या स्त्री थी? है, पुरुष थी। और है कंकर को नहीं बुलाया और उनके गए अपना शरीर कर दिया, उनका ध्वंस कर दिया। बाद में कंकर गए तो उनकी ये कंकर बाद में गए तो उनकी क्यों? यज्ञ के आदि में जो यज्ञ था वो विध्वंस हुआ कि नहीं? है, यज्ञ के आदि में जो सती थी, यज्ञ विध्वंस हुआ या नहीं हुआ? यज्ञ विध्वंस हो गया और अब यज्ञ की पूर्ति भी होनी है। प्रजापिता अंत तक रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। यज्ञ संपन्न होगा या नहीं होगा? होगा। और तो जो गिरा है देह का अंग, वो देह का अंग पवित्र था या अपवित्र था? तो कुछ तो करिश्मा दिखाएगा,
देह अच्छी चीज नहीं है, देह विनाशी है, परंतु देह भी तो पवित्र और अपवित्र दो प्रकार की होती है। तो पवित्र अंगों का जो भी हिस्सा जहां जहां गिरा वो करिश्मा दिखाता है भक्ति मार्ग में। और विजय माता के मंत्रों में पवित्रता की पावर ज्यादा होती है, विजय माता में पवित्रता की ज्यादा पावर होती है। अगर गंगा विष्णु माता का मंत्र है तो प्योरिटी की पावर कैसे ज्यादा? प्योरिटी की पावर ज्यादा है कैसे ज्यादा गंगा में? क्योंकि गंगा जो है उसके किनारे गृहस्थी चौकड़ी लगा के बैठते हैं कि सन्यासी चौकड़ी लगा के बैठते हैं? गृहस्थी चौकड़ी लगा के बैठते हैं, है? सन्यासी चौकड़ी लगा के बैठते हैं गंगा के किनारे। इसका मतलब सन्यासियों की मुखिया कौन हुई? गंगा सन्यासियों की मुखिया है। जरूर संगम युग में गंगा ने गंगाधर का और उनके परिवार का सन्यास किया होगा। तो सबसे बड़ी सन्यासी बन गई ब्राह्मणों की दुनिया में। एडवांस ज्ञान जब शुरू हुआ तो सबसे पहले ऐसी कौन सी कन्या निकली जिसने सबसे जास्ती सतोप्रधान पीरियड में ज्ञान सुना? गंगा ने सुना कि नहीं सुना? जब ज्ञान सुनते हैं और निश्चय हो जाता है तो समर्पण हो जाते हैं, है? और जब अनिश्चय आता है तो भाग जाते हैं। तो सन्यासियों में सबसे जास्ती सन्यासियों की पवित्रता किसने धारण की? गंगा ने धारण की। उन्हीं सन्यासियों के बारे में मुरली में बोला है कि सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। कब निकलेंगे? तब निकलेंगे जब दुनिया में कोई नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है। तो अभी टाइम है, अभी ब्रह्मा कुमारियों ने छोड़ा नहीं है, है? त्यागा नहीं है, तो फिर कोई भी बच्चा नहीं है। उस दुनिया से भी गए, उस दुनिया से भी गए जब कोई आसरा नहीं रहता है। और कहाँ का माला का मणका? सबसे पहले रुद्र से ज्ञान नहीं लिया है? जब सबसे पहले रुद्र से ज्ञान लिया है तो रुद्र माला का मणका भी हजम कहाँ है? है? हजम करे बैठे, हजम किधर कोने में किधर हजम करके बैठे हैं जब सबसे पहले इतना सारा लिया? कोई जरूरी नहीं है कि जिसने लिया है वो हजम भी पहले कर ले। विजय माला बाद में आएगी या पहले आएगी, लेकिन हजम करती है कि नहीं? विजय माला पहले हजम कर लेती है। तो ये तो अपना अपना पार्ट है, वैष्णवी का पार्ट अलग, गंगा का पार्ट अलग, अनसुईया का पार्ट अलग, यमुना का पार्ट अलग। तो बाबा गंगा अभी तो वर्तमान में तो गृहस्थियों के बीच में फंसी हुई है। वर्तमान में गंगा गृहस्थियों के बीच में नहीं देखा जाता। गृहस्थियों में है तो शादी क्यों नहीं कर ली? तो फिर चेहरे से नहीं देखने में आता है कि सन्यासी है या गृहस्थी है? पहली बार देखे तो वही समझ। हाँ जी, भगत लोग जो हैं वो सन्यासियों को चेहरा मोहरा देख के पहले प्रभावित हो जाते हैं। परिवार है उनका क्या पार्ट होगा? है उनका क्या पार्ट होगा? तो एक जन्म में जो माता पिता बने हैं, भाई बहन हैं, उनका क्या फर्क? कलयुग के अंतिम जन्म में जो ब्राह्मण जन्म लेकर के माँ बाप से जन्म लेकर के भगवान से प्राप्ति करते हैं तो उनके रथ का कुछ महत्व है या नहीं है? है? रथ का तो महत्व है, क्योंकि उस रथ से ही पुरुषार्थ करके उनको सारा प्राप्ति होती है।
उस रथ को जन्म देने वालों का भी कुछ मुख्य पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो भी है। क्यों? क्योंकि बाबा ने वरदान दिया है तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो विशेष आत्माएं हैं। और शरीर छोड़ देते, वो शरीर छोड़ने के बाद जन्म देते हैं। जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है वो शरीर छोड़ने के बाद राधा कृष्ण को जन्म देंगे? जन्म देने के बाद तो सभी शरीर छोड़ने हैं देवता है, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। हम सब जो अभी शरीर छोड़ रहे हैं स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं या जबरन छोड़ना पड़ता है? कोई नहीं चाहता हम शरीर छोड़ें, फिर भी शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ये है मृत्यु। और सतयुग त्रेता में कोई भी जबरदस्ती शरीर नहीं छोड़ेगा। जब इच्छा होगी ये कपड़े उतार दें तो बड़े आराम से कपड़े उतार देते हैं। राजा ही तो उन्होंने बड़ी से बड़ी संगम युग में भोग ली, तो फिर नीचे गिरने का टाइम आएगा कि ऊंचे ही बने रहेंगे हर जन्म में? हाँ, नंबर बार नीचे गिरते जाएंगे, अपने बच्चों को नहीं ऊपर बैठाएंगे हैं? हाँ, वंश परंपरा को भी तो गद्दी पे बैठना है। कुछ आत्माएं अभी भी इच्छा मृत्यु को ग्रहण करती हैं, कुछ आत्माएं अभी भी इच्छा मृत्यु मतलब डिक्लेयर कर देती हैं इतने बजे शरीर छोड़ेंगे, तो लास्ट में आने वाली आत्माएं कुछ आत्माएं अभी भी अपने आप शरीर बता के छोड़ती हैं योग की पावर से। सात्विक स्टेज वाली होती है तो शरीर छोड़ती है। अभी परमधाम से आत्माएं नहीं उतर रही हैं क्या? तो वो परमधाम से उतरने वाली आत्माएं सात्विक स्टेज वाली होती हैं पहले जन्म में या तामसी होती हैं? सात्विक स्टेज वाली होती हैं, छोड़ सकती हैं। और जो सच्चाई को जानते हैं वो मानते क्यों नहीं हैं? जो सच्चाई को जानते हैं हाँ, तो साकार में आया हुआ है। हाँ, जो आज के सन्यासी हैं लौकिक दुनिया के, वो इस सच्चाई को ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं तो समझ जाते हैं कि नहीं, कि परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं है? सभी सन्यासी इस समय समझ रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फिर भी मानते हैं क्या? इस बात को अपने शिष्यों के सामने जाके उजागर करते हैं, नहीं करते हैं? यही हालत ब्राह्मणों की दुनिया में जो सन्यासी हैं सफेद कपड़ों वाले, उनकी भी हो गई है। वो अंदर से जान तो चुके हैं। क्या रावण क्या समझता था, भगवान है या नहीं है? वो समझता था कि भगवान है, लेकिन कौन सी हट पकड़ गया देहंकार के कारण कि भगवान है तो हमसे लड़ाई लड़के हमको हरा के दिखाए। तो उनके अंदर भी ये अहंकार आ गया है कि धन बल तन बल हमारे पास जितना है उस आधार पर उस पार्टी के पास तो कुछ भी नहीं है, जंगली आदमी है। गांवड़े गांवड़े में छुपने वाला छोकरा है। कंस कृष्ण को क्या समझता था, गांवड़े गांवड़े में छुपने वाला छोकरा समझता था। रावण राम को क्या समझता था, जंगलों में भटकने वाला वनवासी समझता था। जो भस्मासुर था वो शंकर को क्या समझता था, बुद्धि में मैं बड़ा हूं या वो बड़ा है? समझता है मेरे पास जो बुद्ध रूपी हाथ है उसमें इतनी शक्ति है कि जिसके ऊपर रख दूंगा
वो ही भस्म हो जाएगा। भगवान की शक्ति मेरे पास है, किसी से भी ली हो। बुद्धि का जो अहंकार था वो उसके पास था या नहीं था? बुद्धि का अहंकार था या नहीं था? अगर नहीं था तो शंकर जी भागे भागे क्यों फिरे? बाबा दे क्यों देते है? बाबा वरदान दे क्यों देते थे? असुरों को भी, देवता को भी। फिर बोला ना तो क्यों कहा जाए? बाबा टाइम हो गया है, 4 बज गए। लो।